दोस्तों आप लोग जो ये रिज़ल्ट देख रहे हो, ये 3 महीने की रिज़ल्ट हैं, ओके। और आप लोग क्या गलतियां करते हो बीएड आने के बाद, जो कि किसी किसी में शिकायत सुनने को मिलती है, भाई मेरे बीएड के बाल जो है ग्रो नहीं हो रहे हैं, मेरे बीएड के बाल एक एक करके फाल हो रहे हैं जब मैं जाता हूँ वाश करने, ऐसा किसके किसके साथ हो रहा है भाई, कमेंट जरूर करना, क्योंकि मैं इस टॉपिक्स पर एक सेपरेट वीडियो लेकर आने वाला हूँ, ओके, ताकि किसी को दिक्कत ना हो बीएड करने में और सबको एक अच्छे रिजल्ट मिले। तो भाई ये रिजल्ट जो है ना, ये 3 महीने के रिजल्ट हैं। जरा सोचो, स्टार्टिंग में इनको जो है कि बिल्कुल भी बीएड नहीं थे, फोलिकल्स तो भाई दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन मुस्टैच चिन पर जितने भी बीएड हैं बिल्कुल सही तरीके से आए हैं, लेकिन गालों के दोनों साइड में क्या दिक्कत है मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश करूँगा, ओके। ये टोटल 3 महीने के रिजल्ट हैं। अगर मैं यहां पर दिखाऊं ना, तो भाई देख लो, गालों के दोनों साइड पर ना कोई दिक्कत नहीं है, और बियर्ड की जो क्वालिटी है, डेंसिटी है, बिल्कुल सही तरीके से आए हैं, और इनका जो स्किन है दोस्त पहले से ज्यादा, मतलब थोड़ा वाइट हो चुके हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। किसी किसी के स्किन फिर से नॉर्मल हो जाते हैं, किसी में थोड़ा टाइम लगता है, किसी का बहुत जल्द पहले जैसा हो जाता है, ओके। अब यहां पर देख लो गर्दन के नीचे, यहां पर भाई सबको दिक्कतें होती है, डर्मा रोलर कुछ लोग यूज करते हैं ना, बोलते हैं अब्रार भाई मेरे को गर्दन के नीचे जब डर्मा रोलर यूज करता हूं सच में जान निकल जाता है यार, बहुत ज्यादा पेन होता है। मैं तुम्हें बता दूं, डर्मा रोलर यूज करने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। डर्मा रोलर के ऊपर मैंने कम से कम 4 से 5 टॉपिक्स वीडियो बनाए, आप लोग वहां से जो है कि वीडियो वॉच कीजिए, आप लोग देख सकते हो, समझ सकते हो डर्मा रोलर कैसे यूज करें ताकि स्किन रेड हो और मेरे को जो है कि जलन पेन वगैरह ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं। और हाँ, ये भाई जो है ना, ये मार्स का फुल किट यूज़ किया है, ओके। तो आप लोग फुल किट यूज़ करो, अगर फास्ट रिजल्ट चाहिए तो भाई फुल किट तुम्हें यूज़ करने होंगे, और ज़्यादातर लोग फुल किट ही यूज़ करते हैं जिनके पास बजट वगैरह नहीं है। तो भाई मैं तो तुम्हें यही बोलूँगा, स्टार्टिंग में तुम सिर्फ डर्मा रोलर और मिनोक्सिडिल यूज़ करो, 1-2 महीने बाद आप बायोटिन भी उसमें ऐड कर सकते हो, और कोकोनट ऑयल और एवियन 400 आप लोग यूज़ करो अगर आपको बीएड काले चाहिए तो, ओके। यहाँ पर देख लो भाई, यहाँ पर इन्होंने अपने बीएड को थोड़ा ट्रिम भी कराया है, क्योंकि इनके बीएड पहले से ज़्यादा बड़े थे ना, और यहाँ पर देख लो ट्रिम कराने के बाद सभी के सभी बीएड एक बराबर दिख रहे हैं, और सबसे अच्छा तो मेरे को ये लग रहा है भाई ने एल डिजाइन में या तो थोड़ा राउंडिंग दिया है, यहाँ पर देख लो राउंडिंग कट है, बट बेस्ट रिजल्ट मिले हैं, और सच में कैमरे में तो भाई गजब के इनके बीएड सूट होंगे, ओके। चलिए थोड़ा नेक्स्ट दिखाते हैं। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर बीएड के बाल थोड़े से हल्के दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में फाइनल रिजल्ट लेकर 0 तक दिखाता हूँ। स्टार्टिंग में, शुरुआत में हम 0 से लेकर फाइनल तक का रिजल्ट दिखाते थे, बट अब हम फाइनल से 0 तक का रिजल्ट दिखाता हूँ, ओके। अब यहाँ पर देख लो, जहाँ पर देखो उस तरह चला है ना, जहाँ पर बीएड क्लीन शेव कराए गए हैं वहाँ पर भी इनके बीएड जो है धीरे धीरे डॉट डॉट करके दिखाई आपको दे रहा है, और वापस भी आ रहे हैं। इनके बीएड कंप्लीट तरीके से अभी मोटे नहीं हुए हैं, कुछ लोगों के पतले बाल होते हैं क्लीन शेव कराने के बाद जो है कि थोड़े लेट से ग्रो होते हैं, तो भाई ऐसा होता है किसी किसी में, डोंट वरी, बट बीएड आ जाते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं। अब यहाँ पर देख लो भाई, यहाँ पर बीएड के थोड़ा डेंसिटी देख लो ठीक ठाक है, लेकिन हाँ बीएड यहाँ पर और ज़्यादा मतलब हल्के दिखाई दे रहे हैं, पतले दिखाई दे रहे हैं, ओके। और स्किन का कलर तो फिलहाल यहाँ पर ठीक ठाक है, लेकिन आप भाई को देखो यार, पहले तो इन्हें ड्राइनेस हुआ और कालापन भी आया, फिर लास्ट में धीरे धीरे इनको जो है कि और ज़्यादा गोरापन होने लगा स्किन में, तो भाई धीरे धीरे जर्नी कंप्लीट होते होते सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ओके। चलिए थोड़ा नेक्स्ट दिखाते हैं। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ ना, तो यहाँ पर देख लो बहुत ढेर सारे पतले पतले आप लोगों को जो है कि बाल दिखाई दे रहे हैं। डर्मा रोलर कभी भी यूज़ करना, दोनों साइड चेंज करके यूज़ करना। कुछ लोग होते हैं ना डेली लेफ्ट राइट लेफ्ट सॉरी डेली लेफ्ट में डेली लेफ्ट में यूज़ करते हैं, दोस्त आज लेफ्ट करो कल राइट करो, आज लेफ्ट करो कल राइट करो, ऐसे करके आप लोगों को प्रॉपर तरीके से स्किन को रेड करना है, ओके। अब यहां पर देख लो भाई, मुस्टैच तो फिलहाल पहले से इनके ठीक ठाक थे, लेकिन शुरुआत में कनेक्ट नहीं थे, क्योंकि भाई शुरुआत में तो बेबी हेयर्स भी नहीं आते ना किसी किसी के, लेकिन जैसे बेबी हेयर्स आए तो भाई अपने हिसाब से आप चाहो तो मुस्टैच जो है सैलून में कनेक्ट करा सकते हो, डोंट वरी। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं। अब यहाँ पर देख लो गर्दन के नीचे, मोटे बाल भी हैं पतले बाल भी हैं आपको दिखाई दे रहा है। चीन पर देखो किसी भी तरह के दिक्कतें नहीं है, चीन एरिया पे ना जो टुड्डी होती है वहाँ पर तो भाई बिल्कुल मोटे मोटे बाल हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले से कुछ मोटे बाल थे, लेकिन जैसे मिनोक्सिडिल इन्होंने यूज़ किया तो और ज़्यादा मोटे दिखाई दे रहे, कुछ तो नए नए बाल भी आए हैं। नए बालों को ग्रो करने के लिए क्या करें, कैसे यूज करें मिनोक्सिडिल, देखो अगर आप बीएड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए ना, मैंने हर एक वीडियो बनाया, आप लोग एंड तक देखोगे तो ही समझ में आएगा। अब यहाँ पर देख लो, स्किन थोड़ा थोड़ा रेड है, स्टार्टिंग में नए लोगों को ना बिल्कुल ऐसे ही स्किन रेड करना चाहिए, कुछ लोग बहुत ज़्यादा उतावले होते हैं, भाई आज तो मैं मिनोक्सिडिल लगाऊंगा, आज मेरा पहला दिन है, पहले दिन से लेकर 1 हफ्ते के बीच में मारते हैं स्किन की वाट लगा देते हैं, ये गलती आप लोगों को नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर देख लो बंदे की, बिल्कुल ये नेचुरल स्किन है, स्किन में ना तो ज़्यादा गोरापन है ना तो ज़्यादा डार्क है, ये बिल्कुल नॉर्मल है और ये नेचुरल है। लेकिन अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ ना, तो देख लो भाई ये लगभग 1 महीने के तो ये रिजल्ट होंगे मैक्सिमम, क्योंकि मैं इनका ये तीसरा अपडेट ला रहा हूं, तो पहला दूसरा अपडेट देख लेना, उसमें साफ साफ मैंने बताया है ये वाले रिजल्ट कितने दिन के हैं, ओके। तो देख लो चारों तरफ आपको पतले पतले बाल दिखाई दे रहे हैं, और पतले बालों का केयर बिल्कुल बच्चों की तरह करना चाहिए, समझ रहे हो ना। एवियन वगैरह आप लोग थोड़ा अच्छे से यूज करो, एवियन के साथ मालिश करना है, कोकोनट ऑयल एंड एवियन 400 मिक्स करके आपको सुबह में यूज करना है, मालिश करना है
सिर्फ एवियन के साथ, ना कि मिनोक्सिडिल के साथ। चलिए थोड़ा नेक्स्ट दिखाते हैं, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ ना तो यहाँ पर देख लो, कुछ लोग होते हैं ना जैसे उनके पतले बाल आते हैं मेरे भाई, जाते हैं सैलून में वाट लगा लेते हैं फिर से बीएड की, मतलब भाई क्लीन शेव करा लेते हैं किसी के कहने पर, या तो वो बंदा अनजान होता है उन्हें नहीं पता होता है कि पतले बालों को क्लीन शेव नहीं कराना चाहिए, बट बहुत से लोगों ने गलतियाँ किया दोबारा मतलब नहीं करते हैं क्लीन शेव, जिनको पता हो गया ना भाई जो मिनोक्सिडिल से बीएड आते हैं यदि पतले बाल होते हैं क्लीन शेव में कराऊंगा तो दिक्कतें होंगे, हो सकते हैं थोड़े लेट से ग्रो। और एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आप क्लीन शेव कराओगे ना तो ऐसा नहीं है कि आपके बीएड नहीं आएंगे, आएंगे लेकिन थोड़े टाइम लगेंगे। टाइम क्यों लगेंगे, देखो भाई जब आप लोग मिनोक्सिडिल यूज करते हो ना, जैसे जैसे खुराक बालों को मिलता है वैसे वैसे ग्रो होते हैं, समझ रहे हो ना, तो पतले बालों पर रेजर मत चलवाना, ठीक। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं, आप लोग चाहो तो ट्रिम या तो सेट वगैरह करा सकते हो। यहाँ पर देख लो भाई ने मिनोक्सिडिल यूज़ किया है, अगर मैं स्किन की रेडनेस की बात करूँ तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मिनोक्सिडिल एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ओके। यहाँ पर देख लो, चलिए थोड़ा नेक्स्ट दिखाते हैं, बिल्कुल बेबी हेयर्स हैं लेकिन हाँ अच्छे डेंसिटी में, घनेपन ठीक ठाक है। यहाँ पर देख लो ये सब शुरुआत के रिजल्ट हैं, रिजल्ट दिखाने के बाद मैं आपको थोड़ा मोटिवेट करूँगा और कुछ सावधानियाँ मैं आपको बताऊँगा जो कि यार आप लोगों को बचना चाहिए अगर आपके भी पतले पतले बाल आ गए हैं। कुछ लोग गलतियाँ करते रहते हैं तो भाई उनके बियर्ड धीरे धीरे फाल होते हैं, और कुछ लोगों तो यार जड़ से निकल जाते हैं, मेरे को आजकल ये शिकायतें मिल रही है, कुछ लोगों ने कमेंट किया था भाई मेरे बीएड के जो बाल है ना जड़ से निकल रहे, रूट बिल्कुल पता चल रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में या तो बीच में ही बताऊंगा, ठीक। अब यहाँ पर देख लो भाई इनके जितने मोटे मोटे बड़े बड़े बाल है ना, ये नेचुरल, ये पहले से थे, लेकिन मिनोक्सिडिल के जो बीएड है ना आप लोगों को पता चल गया होगा, कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा कौन से नेचुरल बाल हैं और कौन से मिनोक्सिडिल के बाल हैं, ओके। यहाँ पर देख लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो भाई इस साइड में देख लो, ठीक। अगर आपके गालों के एक साइड में ठीक ठाक बियर्ड है, दूसरे साइड में अच्छे नहीं है, तो इस टॉपिक के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप लोग देख लेना, अगर ठीक है मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं, अब यहाँ पर देख लो ये स्टार्टिंग के रिजल्ट हैं भाई के, देख लो फॉलिकल्स तो दिखाई दे रहे हैं सही सही, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर मैं एक तस्वीर और दिखाऊँ ना, यहाँ पर देख लो ये मार्स का मिनोक्सिडिल है जो कि यार इस समय थोड़ा सा रेट इसका बढ़ चुका है, बट कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर लेना। ये देख लो ये सब स्टार्टिंग के रिजल्ट हैं, समझ रहे हो ना, और इनका एज अभी लगभग 19 या तो 18 चल रहे होंगे, समझ रहे हो ना। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं, अब यहाँ पर देख लो भाई, ठीक। यहाँ पर देख लो 20 एज इनके शायद होने वाले हैं, क्योंकि पैची बियर्ड से ही कुछ लोगों के मैंने एज बता देता है, अंधेरे में तीर चलाता हूँ, बिल्कुल सही हो जाता है, बंदा बोलता है हाँ भाई मेरा एज इतना ही है, तो धीरे धीरे यार एक्सपीरियंस मेरे को भी हो गया। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं, अगर यहाँ पर दिखाऊँ तो भाई देख लो ये सब स्टार्टिंग के रिजल्ट हैं, जीरो वाले रिजल्ट हैं, ओके। यहाँ पर बिल्कुल भी बियर्ड आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखो मैं इसे जूम करता हूँ, तो भाई आप लोगों ने देखा जीरो से लेकर लास्ट तक मैंने रिजल्ट दिखाया, लास्ट से लेकर जीरो तक मैंने रिजल्ट दिखाया है, और मैंने आपको पूरा सब चीज़ें बताई है भाई ने क्या क्या यूज़ किया है। अब चलिए थोड़ा प्रॉब्लम वगैरह इनका देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको थोड़ा सोल्यूशन बताऊंगा, और हो सके तो मैं आपको कुछ सावधानियां भी बताऊंगा जो कि आप लोगों को बचना चाहिए बियर्ड जर्नी में। ये देख लो इस बंदे की ये पूरी जन्म कुंडली है, ओके। चलिए थोड़ा नेक्स्ट दिखाते हैं, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो देख लो भाई ये बंदा क्या बोल रहा है, पूरा चले गए कुछ भी नहीं है, मतलब ये भाई बोल रहा है मेरे पूरे बियर्ड चले गए हैं कुछ नहीं है। फिर मैंने कॉल किया और कॉल के जरिए इनसे पूछा, ये बंदा बोल रहा है मेरे कुछ बियर्ड हैं और गालों के सिर्फ सेंटर में ही गए हैं, तो भाई ने कुछ लापरवाही किया होगा, तो इसके बारे में हम आपको बताऊंगा ज़रूर। और इनका नेक्स्ट अपडेट कल नहीं परसों आएगा जो बियर्ड फाल हुए हैं, और पूरी प्रॉब्लम मैं आप लोगों को सामने जो है कि शेयर करूँगा, ओके। ये देख लो फाइनल रिजल्ट है, मैं बोलता हूँ ना अगर तुम्हें थोड़ा सा भी रिजल्ट मिल जाता है ना, तो भाई अगर आपको समझ में नहीं आ रहा अब मैं क्या करूँ, मेरे को क्या करना चाहिए ताकि मेरे बियर्ड फाल ना हो, इसमें तो मैं सोल्यूशन बताऊँगा भी, लेकिन कल जो इनका रिजल्ट आने वाला है चौथा अपडेट, उसमें पूरा सोल्यूशन मैं आप लोगों को बताऊंगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोग अनजान होते हैं, गलतियां करते रहते हैं, उनको नहीं पता होता कि डायरेक्ट इफेक्ट हमारे बियर्ड पर ही पड़ेगा, ओके। चलिए थोड़ा ऊपर दिखाते हैं, ये कितने दिन के रिजल्ट है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहां पर देख लो 57 डे के ये रिजल्ट हैं, ओके ठीक ठाक है रिजल्ट। अगर मैं थोड़ा जूम करता हूं तो भाई ठीक ठाक बियर्ड है, अगर मैं ये वाला दिखाऊं ना तो यहां पर हल्के से कुछ मेरे को पतले बाल दिखाई दे रहे हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं, अब ये भाई देख लो ये पूरा रिजल्ट तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा दिया हूँ, लेकिन थोड़ा चैट दिखाता हूँ। चैट से भी कुछ लोग बोलते हैं भाई चैट से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो मेरा क्वेश्चन होता है सेम उसी बंदे का भी होता है, कुछ रिप्लाई दो भैया, ओके। चलिए ऊपर दिखाते हैं, भैया कुछ रिप्लाई दो, डेंसिटी कैसा है भैया? तो देखो यार डेंसिटी में तुम्हारे कोई भी गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक डेंसिटी है, और जब आपके बियर्ड पूरे के पूरे आ जाते हैं ना, तब आप थोड़ा डर्मा रोलर पर प्रेशर दे सकते हो ताकि और अच्छे से आपके स्किन रेड हो, ताकि मिनोक्सिडिल, देखो भाई मिनोक्सिडिल जितना जल्दी एब्जॉर्ब होगा ना उतने अच्छे साइन होते हैं, समझ लो ना, बियर्ड आने का चांस ज़्यादा होता है, समझ लो, और फास्ट ग्रो होने का भी चांस ज़्यादा होता है। यहाँ पर देख लो 42 डे, चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ ये 42 दिन के रिजल्ट है। मैं क्या बोलता हूँ, एक महीने या तो डेढ़ महीने में, किसी किसी के दो महीने में, किसी के तीन महीने में, भाई सबकी बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्स करती है, अपने हिसाब से रिजल्ट आते हैं, डोंट वरी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए थोड़ा ऊपर दिखाते हैं, 37 दिन के ये रिजल्ट हैं। अगर मैं 37 दिन का देखूं तो मैं बोला हूँ ना अभी अभी कि एक महीना या तो डेढ़ महीने में आपके ढेर सारे पतले पतले बाल आते हैं, सेम इस बंदे के साथ ऐसा ही हुआ है, ओके। चलिए ऊपर दिखाते हैं ये सारा, अब यहाँ पर देख लो 16 दिन के रिजल्ट हैं, भाई कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे हो, कितने दिन में आ जाएगा बियर्ड भैया? 30 दिन का रिजल्ट है, तो अगर मैं 30 दिन का दिखाऊं तो अब यहाँ पर देख लो भाई फॉलिकल्स आपको दिखाई दे रहे ना, ओके कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई
मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोगों को अगर अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं तो आप लोगों को कौन से गलतियाँ नहीं करना चाहिए। वैसे मैं यार देखो हर एक वीडियो में या तो स्टार्टिंग में या तो बीच में या तो लास्ट में हम बता ही देते हैं, लेकिन फिर से मैं रिपीट करता हूँ आप लोगों को कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, समझ रहे हो ना। तो अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना, अगर वीडियो पसंद आएगी तो यार लाइक कर देना, अगर ज़्यादा नीड होगी तो भाई व्हाट्सअप का नंबर है, बट पैड है, कुछ अमाउंट आपको यहाँ पर पे करने होते हैं, उसके बाद आपको जो है कि पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है ताकि आपके बीएड 20 से 25 दिन या तो 30 से 35 दिनों में ही आपके बीएड में फ़र्क पता चल जाता है, मतलब भाई रिजल्ट आने लग जाते हैं। कुछ लोगों के पतले बाल होते हैं, उनको जो है कि भाई 30 से 35 दिनों में या तो 20 से 25 दिनों में फ़र्क दिखाई देने लग जाते हैं, उनके बीएड मोटे होने लग जाते हैं। सब्सक्रिप्शन का ये बेनिफिट है, ये फायदे हैं, और भी यहाँ पर आप लोगों को जो है कि सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करने बाद और भी तरीके आप लोगों को बताए जाते हैं, समझ रहे हो। तो सब्सक्रिप्शन अगर लेना है भाई तो ही आना, ज़्यादा नीड है तो ही आप लोग आना, ओके। तो भाई देखो बीएड जर्नी में यदि आपके बीएड के बाल ढेर सारे आ जाते हैं, मैं यहाँ से दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ ना, अगर मान लो दोस्त तुम्हारे ऐसे बीएड आए हैं लेकिन हाँ पूरी बीएड आई है मोटे, सॉरी बीएड में क्या दिक्कत है, बीएड के बाल मोटे नहीं हैं, तो कुछ लोग होते हैं ना सोचते हैं भाई मेरे को अब तो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जितना रिजल्ट मिलना चाहिए था मिल गया है, ऐसा करता हूँ मैं ब्रांड चेंज कर देता हूँ। बहुत से लोग भाई देखो ब्रांड चेंज करते हैं, अभी देखना कमेंट बहुत ढेर सारे आने वाले हैं, हाँ भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं भी ब्रांड चेंज किया हूँ। तो भाई देख लो ये बिल्कुल गलत तरीका है, आप लोगों को ब्रांड नहीं चेंज करना चाहिए। किसी किसी के बीएड के बाल लॉन्ग होने की वजह से ना उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, रिजल्ट तो मिलता है लेकिन स्लो रिजल्ट मिलता है। स्लो रिजल्ट क्यों मिलता है, क्योंकि भाई बीएड के बाल बड़े हैं, आपने मिनोक्सिडिल लगाया, स्किन में एब्जॉर्ब नहीं हुआ, सारे मिनोक्सिडिल आपके बालों पर ही उलझे हैं, तो भाई न्यूट्रिशन तो कम मिलेगा ना बालों को। इसलिए मैं बोलता हूँ बीएड को बिल्कुल जीरो या तो एक नंबर ट्रिम करा के रखो। बीएड जर्नी जब कंप्लीट हो जाती है तब भाई आप अपनी पूरी बीएड ग्रो करो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो भाई आप लोगों को इस कंडीशन में जो ना ब्रांड नहीं चेंज करना है, वही यूज करना है, और याद रहे चेकआउट करते रहना क्या मेरे बीएड के बाल बिल्कुल नॉर्मल है, क्या मैं मिनोक्सिडिल सही से लगा रहा हूं, मेरे स्किन में एब्जॉर्ब हो रहा है या नहीं, और ये भी चेकआउट करना क्या मेरे मिनोक्सिडिल जो है बालों पर ही लगे होते हैं। तो भाई यही सब बीएड जर्नी में फॉलो करने होते हैं, और भी गलतियां आप लोग करते हो तो जो लोग करते हैं तो भाई उनको तो पता ही है, उनको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, समझ लो ना। तो दोस्तों एक चीज और बता दूं, बीएड जर्नी में अगर आप आते हो बिल्कुल नए बंदे हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ तुम्हें बीएड ग्रो करने का मन कर रहा है, तो भाई मैंने हर एक वीडियो बनाया है, आप लोग चेकआउट करते रहना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ओके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो यार लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।